रहे हैं जी न्यूज 18, हर खबर का सच यानी पूरा सच। राजनीतिक दुनिया की हर पंक्ति पर अपराध पर कसकर चर्चा, किसने किया भ्रष्टाचार, और कौन है अपराधी, हर खबर यानी पूरा सच देखना ना जी न्यूज 18 पर, सिर्फ मेरे साथ। सबसे पहली बात तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, और आपका क्वेश्चन आंसर करने के लिए
यही क्यूरियोसिटी थी मेरे भी मन में जब मैंने ये आइडिया सुना, और आई थिंक सपना जी कमिंग ऑन बोर्ड हैज मेड ऑल द डिफरेंस. थैंक यू सपना जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन बोर्ड. एंड ऑफ कोर्स द अदर एक्टर्स मिस्टर विक्रांत, जुबैर. ये कास्ट इसलिए असेंबल की गई है क्योंकि ये कैरेक्टर को फिट करती है, दोस्ती के साइड इफेक्ट्स एज अ टाइटल को जस्टिफाई करती है. तो आई थिंक आई हैव गॉट अ परफेक्ट कास्ट, और उससे बेटर कास्ट मुझे मिल ही नहीं सकती थी. स्वप्ना जी की फर्स्ट फिल्म होगी है, ओके. तो आई थिंक बिग बॉस के बाद और इतने फेम नेम के बाद फर्स्ट फिल्म, आई मीन दैट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर मी एज अ डायरेक्टर. उसके बाद ऑफ कोर्स विक्रांत है, जुबैर है, अंजू आ रही है, माय प्रोड्यूसर मिस्टर विजय सिंह एंड ऑल द एंटायर टीम इज वेरी ग्रेटफुल टू हैव सच अ कास्ट. थैंक यू. ओके सपना, इतना वक्त क्यों लगा इस फिल्म को शूट डाउन करने के लिए? क्योंकि आपको आना ही था, जितना हम आपसे पहले मिल चुके हैं. मुझे लगा कि शायद मैं अभी फिट नहीं हूँ उस चीज के लिए. जब मुझे फिट लगा कि हाँ अब मैं फिट हूँ तो मैंने किया. फिट होने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, मेंटली भी प्रिपेयर होना पड़ता है, फिजिकली भी प्रिपेयर होना पड़ता है, जो कि मैं नहीं थी. अभी धीरे धीरे किया है, शोज का बर्डन इतना था तो फिजिकली फिट होने में टाइम लगा, तो अब हूँ, अब प्रॉपर हूँ. थैंक यू. जुबैर आपसे सवाल. फिल्म का नाम ही है दोस्ती के साइड इफेक्ट, और 377 खत्म होने के बाद तो बहुत सारे इफेक्ट होने लगे. सो सपना के साथ काम करने का जब आपको पता लगा कि सपना इज अ पार्ट ऑफ द फिल्म, सपना खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है आज के तारीख में, तो जुबैर ये कितना एडवांटेज होता है एक्टर के लिए कि हां एक पुश अप मिल जाएगा? एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट मैं यहाँ पे एसोसिएट हूँ इतने अच्छे लोगों के साथ में. और सबसे पहले तो माफ़ी मांगता हूँ, आप सब लोगों ने बहुत ज़्यादा वेट किया था, तो सब लोग थे नहीं, अब आए हैं, तो लेट्स एग्जीक्यूट एवरीथिंग वेरी गुड. रिगार्डिंग आई थिंक आफ्टर एसोसिएटेड विद बालाजी ऑल्सो, आई ऑलवेज फील के एक ब्रांड से ब्रांड बनता है, एंड सपना जी की बड़ी ब्रांड है, और मुझे अच्छा लगता है कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला. तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड गिव अ बेस्ट बाकी ऊपर वाले के. विक्रांत अगर आप कुछ बताना चाहें. मैं भी सबसे पहले आप सबसे माफी चाहता हूं, वो बिल्कुल हम लोग से अगर कुछ गलती हुई तो हम माफी मांगते हैं आपसे. और कैप्टन ऑफ द शिप हादी भाई हैं, और मैं सच में उनका धन्यवाद देना चाहता हूं, और विजय भाई का, और हमारे प्रोड्यूसर है जेडी का, मेरी सिस्टर है रिंकी भाभी का, सभी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मुझे दिया और एक अपॉर्चुनिटी दी है. और ऐसे प्रोड्यूसर ही हैं जो मैंने जो बाहर से कुछ जिनका फिल्म लाइन से कुछ लेना देना है उनको भी अपॉर्चुनिटी देते हैं. लेकिन आप जानते हैं कि आजकल स्टार किड्स को पहला प्रेफरेंस दिया जाता है कि आप फिल्म लाइन से हैं तो आपको इजीली प्लेटफॉर्म मिलता है करता हूं. और मुझे विश्वास है कि आगे वाले दिनों में उन्होंने कहा है कि मैं नए लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाऊंगा ताकि जो टैलेंटेड लोग हैं उनको भटकना ना पड़े, लेकिन हमारे प्रोडक्शन हाउस से उनको एक लॉन्चिंग मिलेगा. और मैं सच में उनका आभारी हूँ, डायरेक्टर साहब का आभारी हूँ, और भी बड़े नाम वो ले सकते थे, बड़े लोगों को ले सकते थे, लेकिन कैरेक्टर में शूट करा तो मुझे लिया, उसके लिए मैं सच में थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. मैं फिल्म के प्रोड्यूसर जानना चाहूंगा, फिल्म मेकिंग इज अ वेरी सीरियस बिजनेस सर. फिल्म मेकिंग इज अ वेरी सीरियस बिजनेस, वी ऑल अंडरस्टैंड दिस. बहुत पैसा लगता है, बहुत वक्त लगता है. हाउ दिस होल आइडिया एंड द फिल्म हैपेंड टू यू? सर उससे पहले मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम नसीम खान. नसीम खान नसीम खान जी आप कहाँ से, कौन, आप बिलोंग करते हैं क्या? मुंबई मेरी कर्मभूमि, जन्मभूमि सब मुंबई. नहीं आपका मीडिया ग्रुप का नाम करली मैं जान सकता हूँ? न्यूज हेल्पलाइन, बिगेस्ट न्यूज एजेंसी इन बॉलीवुड, एंड वी हैव बीन देयर इन द बिजनेस मोर देन 17 इयर्स. ओह यस सर. सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा हमारे जो प्रोडक्शन जो टीम है उसके तरफ से, क्योंकि देखिए ये हमारा फर्स्ट मूवी लेक्चर है,
first maiden movie venture, and this is our very first press conference. We don't even know how a press conference takes place. So ye jo galtiyan hua hai abhi, now all this, I can see that this is mess. For example, the food, then Atithi Devo Bhava, you actually, yes, I am not taking it as a taunt, I am taking it as very serious advice from you. I am taking it as a very serious advice from a very senior journalist. Believe me, all of you, if you have anything to complain, you can always complain, you have got the right to complain. And I will be from next, there will be next press conference, there will be next to next conference, as a PC. So we'll be taking it pretty seriously. Now to answer your question, sir. That we are into online business, we are into IT, we are into software development. So we understand process, we understand project, we understand how to grow a business. So film, movie, yes, we have been promoting media for other people. I cannot name my clients because of non-disclosure NDA. I don't name my clients. But we have been promoting other people's movies, India and abroad, with digital, I have got a very good digital marketing team. So one fine day, me and my management, we ended up with the idea. If we can do for others, why can't we do for us? Just like you, sir, you had the opportunity to be a political journalist, to be a sports journalist. हो सकता था नसीम भाई. Thank you so much, sir. मैं बिल्कुल. लेकिन आपने entertainment सब आपने choose किया. यहाँ आपने जितने सारे journalists हैं, आप लोगों ने entertainment को choose किया, media को, film को जगह choose किया, just because you love doing this. Similarly, we have started loving doing this. अभी क्या है सर, आप लोगों को मैं एक ही रिक्वेस्ट है, जो हुआ भूल जाओ सर. भूल गए सर, मैं जरूर सर भूल गए. प्लीज, पानी नहीं मिला, खाना नहीं मिला, सर बड़ी बात नहीं होती है. ठीक है सर, खाना और पानी का डोंट वांट टू दिस इज नॉट अबाउट हां बोल रहे हो नहीं मीडिया से बोल रहे हो सर. अगर बोलेंगे तो प्रोडक्शन हाउस के तरफ से, आई एम द स्पोक्स पर्सन, आई विल बी कांटेक्टिंग यू. I'll be happy coming out my all the information, everything. So, please. Adi, you just want to say something. जी बताइए. मैं सिर्फ कसिक भाई, आप लोगों की patience की तारीफ देता हूँ. Thank you so much. We love you, Adi भाई. Yes, I know. Thank you, Adi. That means a lot to me. और मैं फिल्में इसीलिए बनाता हूँ. ओके okay, भाई किस जोन में होगी फिल्म, क्योंकि अगर टाइटल देखते हैं तो कॉमेडी का ही एहसास होता है कि कॉमेडी होगी, और सपना से कॉमेडी कराना, सपना प्लीज नोट दिस, वो बड़ा चैलेंजिंग रहेगा. कॉमेडी का टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जब हम कॉमेडी की बात करते हैं बड़ा मुश्किल होता है ये. हाँ, मैंने किंग ऑफ कॉमेडी गोविंदा के साथ भी काम किया है, तो यस, टाइमिंग इज एवरीथिंग फॉर कॉमेडी फिल्म. बट लेट मी सरप्राइज यू, दिस इज नॉट अ कॉमेडी फिल्म, इट्स अ फिल्म बेस्ड ऑन रिलेशनशिप्स, और चार दोस्तों की कहानी है, इसलिए दोस्ती के साइड इफेक्ट्स इज द टाइटल. तो ये चार दोस्तों की कहानी है, और जैसे जैसे और मैं रिवील कर पाऊंगा, मैं डेफिनेटली नसीम भाई आपको रिवील करूंगा, बट राइट नाउ दिस इज व्हाट आई कैन से. अब फ्लोर पे कब रिलीज करने की प्लानिंग है? हाँ, हम लोगों ने ये सोचा है कि अब सबसे सबसे टफ क्वेश्चन ये है, हमारा प्लान जो है, मैं आपको रिवील कर दूं कि हम शायद फ्लोर पे 27 तारीख से जाएंगे ये महीने की, और 14 दिसंबर को हमने डेट रिलीज करने का सोच लिया. टू द प्रोड्यूसर, द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय एंड, देन आई विल लेट लीव इट टू माय अदर कलीग्स. यस, टू द प्रोड्यूसर. यस, श्योर सर. फिल्म मेकिंग इज अ वेरी सीरियस बिजनेस, आई एम रिपीटिंग दिस लाइन नंबर्स टाइम. द रीजन यू माइट बी रेडी द फिल्म, बट जब आप रिलीज करने की करार पे आते हैं तो अपने ही सिनेमा को, अपनी ही फिल्म को थिएटर में पहुंचाने के लिए उनको भी पे करना पड़ता है. व्हाट विल योर डिस्ट्रीब्यूशन प्लान? सर, आई कांट एक्चुअली talk about this, no comments right now. I cannot disclose. Yes, we have got a very definite strategy, believe me, take my words, we have got a very very definite strategy in this, but I cannot discuss this right now. Thank you so much. Next person, please. Yes,
मेरा सवाल सपना जी से है कि आप बहुत बड़े हिंदुस्तानी हैं और वर्ल्ड वाइड आप फेमस हो चुके हैं बिग बॉस के बाद। आपके जीवन में टाइम का कितना महत्व है और बिग बॉस से निकलने के बाद आपके जीवन में और आपके करियर में किस तरीके के बदलाव हैं और आगे आप क्या? बिग बॉस ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मुझे प्लेटफॉर्म दिया है। बेसिकली एक डांसर को बहुत बुरा लगता है जब उसे कोई डांसर बोलता है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं अपने ऊपर बहुत प्राउड फील करती हूँ कि यस मैं डांसर हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि इस डांस ने मुझे सब कुछ दिया है और मैंने डांस कर करके सबको हंसाया है। और सबसे मुश्किल काम इस धरती पे अगर कोई है तो वो किसी इंसान को खुशी देना है जो मैं प्रॉपर तरीके से दे रही हूँ, तो इससे बेटर कोई काम ही नहीं हो सकता। बिग बॉस ने मेरी जिंदगी को बहुत बदला है। बिग बॉस ने मेरी जिंदगी को इस तरह बदला कि डांसर होना आसान है लेकिन एक डांसर होते होते इज्जत पाना बहुत मुश्किल होता है, जो कि बिग बॉस ने मुझे दी। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है और बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं शायद ये भी कर सकती हूँ। तो थैंक यू सो मच। मैं सुन नहीं पा रही हूँ आपको। बिग बॉस फिर से शुरुआत हो चुकी है, इस बार एक अलग अंदाज में है, कपल जा रहे हैं, क्या पॉसिबिलिटी है आप अपनी टीम के साथ फिल्म को प्रमोट करने बिग बॉस हाउस जाएं? बिल्कुल क्यों नहीं जा सकती जा सकती हूँ, आपको लेके जाऊंगी साथ में। क्या सलमान से इस बारे में बात हुई है कि यू आर कमिंग इन द फिल्म? अब वो मेरा काम नहीं है, वो यहाँ काम है, मेरा काम सिर्फ जाना आना है। तो मेरे को बहुत खुशी होगी कि वो एक प्लेटफॉर्म में दोबारा से देखूं, क्योंकि जिस चीज की शुरुआत हुई है आप तक जहाँ मैं पहुंची हूँ तो वही प्लेटफॉर्म, और उस प्लेटफॉर्म पर दोबारा जाना मेरे लिए डेफिनेटली बहुत 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 खुश नसीबी की बात होगी। और मैं तो कहती हूँ कि जिसको भी मौका मिले जरूर जाना, क्योंकि जीतना हारना वहाँ मायने नहीं रखता, बस वो प्लेटफॉर्म आपकी जिंदगी जरूर बदल देता है, तो जाना जरूर। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी कि मैं देखूं और मैं एक एक एपिसोड को देखूंगी और बारीकी से देखूंगी और मैं ये देखूंगी कि एक्चुअली मैं बाहर क्या होता है क्योंकि पहले नहीं देखा। थैंक यू। सर डायरेक्टर साहब, ये जो आपने नाम दिया दोस्ती के साइड इफेक्ट्स, तो पहली बात तो व्हेन पीपल रीड दैट इट सीम्स लाइक अ कॉमेडी, ओके, लेकिन आप बोल रहे हैं कि ये कॉमेडी है, ये कोई अलग जॉनर की है, तो कैन यू एलाबोरेट ये क्या रहेगी और कैसे रहेगी? राइट नाउ इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू इवन एलाबोरेट ऑन एनीथिंग लाइक दैट। सर हर चीज को सर आप राइट नाउ आप सबको आप टालते जा रहे हो, क्वेश्चन को टालना पड़ेगा क्योंकि बहुत बहुत कुछ रिवील हो जाएगा, इसीलिए मैं टाल रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि मैं रिवील करूं। कोई प्रश्न का उत्तर ही नहीं आ रहा है सर आपके यहाँ से। मैं कोशिश तो कर ही रहा हूँ, देखिए मैंने आप जैसे कहा इट्स अबाउट फ्रेंडशिप। यस इट इज एब्सोल्युटली रेडी एंड वी आर गोइंग ऑन फ्लोर एज आई टोल्ड यू ऑन द 27th। No, there are two couples, so it's not a triangular. It's about four friends, as I'm telling you. It is beautifully written, and there is a lot more than the relationship in the film. So how was it conceptualized? Ha, okay. So the person who's written the story is right here with us, and I will give her the mic. She will tell you exactly how it was conceived. Ha, idhar kare. Arey, boliye. Okay, she is the one who actually conceptualized the story. She does, and she's given us the right platform. She gave us the story, and of course, Mr. Bharat B, who's the writer of the film, he has written a great screenplay on it. So yes, that's how it is, and that is why this cast, it needed an ensemble cast, and Bharat ji has made sure that that this. The script gets the right cast, और इसीलिए thanks to my producer Mr. Vijay Singh and Mr. Dil,
that they've allowed me to do what I felt and correct the cast. सॉरी मैं सुन नहीं पा रही हूँ. नहीं मेरे दोस्त ही नहीं रहे हैं. नहीं नहीं कभी तो रहे. नहीं कसम से नहीं रहे. मैं 9th से 12th class तक अपनी मैं 9th से 12th class तक जब भी पढ़ी हूँ तो मैं अकेली लास्ट बेंच पे बैठा करती थी. लड़कियों से मेरी बनती नहीं थी और लड़कों को मैं पीट देती थी तो कोई दोस्त ही नहीं था. स्कूल में ऐसे कहते थे कि लास्ट बेंचर्स हो पढ़ाई में बहुत कमजोर थे क्या आप वैसे ही थी क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं था कि मैं पढ़ाई में कमजोर थी. बस उस टाइम नहीं बोल पाती थी. उस टाइम किसी से बात करना या बोलना अच्छा नहीं लगता था क्योंकि नाइट शोज लगा के दिन में आके बेंच पे मैं सो जाती थी तो मेरे को नींद बहुत प्यारी होती थी. उस टाइम फ्री पीरियड में मैं सो जाती थी. टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया सर. 3 साल 9 से 12 यस मैम मैंने हाँ मैम मैंने बहुत पीटा लड़कों. बस ऐसे ही कुछ भी बोलते थे तो बर्दाश्त नहीं होता था और मैं पीट देती थी. तो आई बीन इन मैंने कॉन्वेंट स्कूल से पास आउट हुआ. सो और बहुत सारे स्कूलमेट्स हैं ऐसे जो बहुत ज़्यादा पता नहीं लगता था मुझे कि ये लोग मुझे कुछ और दोस्त मानते हैं और एक्चुअली मुझे बाद में पता लगता था कुछ और निकलता था. तो एंड मोस्टली विद गर्ल्स एक्चुअली हु स्प्रेड द रूमर्स बिटवीन गर्ल्स के यार मैं उनका दोस्त हूँ. एक्चुअली में किसी का दोस्त नहीं होता था. तो जस्ट द वर्ड दोस्ती यू नो इट्स वेरी टेंस फॉर मी और मुझे लगता है कि अगर आप एक्चुअली मेरे भी बहुत कम दोस्त हैं और अभी एक्चुअली मैं जितने भी दोस्त हैं मैं नए बना रहा हूँ. चंद्रग्राम भाई हैं जय भाई हैं और प्रोड्यूसर्स एंड हमारे डायरेक्टर सबसे ज़्यादा. तो ये सब नई दोस्ती में बिलीव करता हूँ और वक्त के साथ साथ आपके दोस्त शायद कम हो जाते हैं तो लेकिन जो एक्चुअल होते हैं रियल होते हैं वही आपसे सच बोलते हैं वो हमेशा टिके रहते हैं. तो इफेक्ट्स जो दोस्ती के होते हैं वो लाइफ टाइम रहते हैं अगर इंसान अच्छा होता है. जी थैंक यू. अंजू अंजू आपको लगता है कि इस ये साल इट्स अ वेरी गुड ईयर फॉर ऑल द टेलीविजन एक्ट्रेसेस एज दे आर डेब्यूइंग यू नो बी इट Moni Roy, be it Kamra, and now you are following their footsteps. Kya kehna chahenge? मैम मुझे लग रहा है कि आप किसी को जीने नहीं देती होंगी. मतलब हम क्यों कैट फाइट करेंगे? हम मैंने उनका क्या लिया और उन्होंने मेरा क्या लिया? मैं बिल्कुल नहीं लड़ने वाली हूँ. कोशिश करेंगे. वैसे मजा तो आएगा लड़ने में. लड़ेंगे पक्का लड़ेंगे. और आपने कहा तो लड़ना पड़ेगा. My group's name is Happiness Group. If you just read, I'll send you, I'll actually sell you all the details of my campaign. Its name is Happiness Easy Life Services. We call it happiness. Anything and everything we do, that the word happy is associated with that. You're all as well. What is the budget of the group? I cannot comment on that. I'll have to talk to my accounts, my
lot of people that I have to talk to. I cannot comment on that. Yes, I'll come back to you. I'll definitely come back to you with the answer. But I'll definitely come back. Your name, ma'am? Yeah, no? Oh, yes, I'll definitely do, ma'am. You can come to me. You can come to me. Ma'am, if you want, if you want some kind of wallet services, we'll be there. Thank you so much, and you all have really, really put us in a difficult situation now as a director. Thank you. I know. Thank you so much, and that's why I can be friendly with you guys. Thank you so much. And I guess now just one more formality is left in front of you guys, which is that I would like my producer to just release the clap of it, which is the most auspicious thing for us. Okay? Yes, so please, with the entire Star Cast, I would request everybody to, yes, स्पेशल ये होने वाला है कि जो आज तक मेरी लाइफ में नहीं हुआ दोस्ती वो मैं करने तो सबसे यूनिक चीज ये होगी। आपने बताया कि आप दोस्त रखते ही नहीं है, हमेशा जब होते हैं कि दोस्तों को अपनी बातें शेयर करते, तो आप अपनी बातें किसको शेयर करते? मेरी माँ से। उन्होंने कभी कमी महसूस नहीं होने दी दोस्त की, तो हर चीज़ वहीं गई है, तो वो उन्होंने पैक करके रखी हुई है आराम से, ज़रूरत ही नहीं पड़ी कभी। तो ये दोस्ती मूवी है, तो इस मूवी को आपको किरदार निभाना है, जिस तरह से आपने कभी दोस्ती की, तो आपके लिए कितना चैलेंजिंग होगा इस किरदार? आई डोंट थिंक सो कि चैलेंजिंग होगा, क्योंकि अपने अंदर जब तक है कि हाँ हम कर सकते हैं तो हम डेफिनेटली कर सकते हैं, अगर हम अंदर से टूट जाएंगे तो नहीं कर पाएंगे। ओके सपना जी, बहुत टाइम के बाद आप दिखाई दे रही है, और ये ऑफिशियल डेब्यू होगा आपका हिंदी सिनेमा में, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या स्पेशल बात है इस फिल्म की जो आपने इस फिल्म को चुना एज अ डेब्यू? सबसे बड़ी बात तो ये कि कास्ट बहुत अच्छी है, और मतलब अपने साथ के आर्टिस्टों के साथ काम करना बहुत 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 अच्छा होता है। अगर कोई बड़ा एक्टर होता तो आई थिंक सबको अच्छा लगता, लेकिन मैंने बड़ी बड़ी फिल्म रिजेक्ट करके ये इसलिए चुनी क्योंकि कास्ट बहुत अच्छी लगी मुझे, छोटे छोटे क्यूट क्यूट से मुझे लगा कि सबसे बड़ी मैं मैं इन पे ऑर्डर चलाऊंगी, वो वाला फील आया, तो इसलिए मैंने ये चुने। अच्छा, आपके जितने भी फैंस हैं आपके घूमके देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, तो इस फिल्म में ऐसा कुछ होने वाला है, कुछ सरप्राइज है? देखो जब तक ठुमके मैंने दिखाए तो आप लोगों ने देखा, आप कुछ नया दिखाएंगे तो भी तो आपको देखना पड़ेगा ना। फैन ऑब्वियसली वो होता है जो हम जो भी करेंगे वो उन्हें पसंद आएगा। जुबैर, आप अपने किरदार के बारे में थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताइए और क्या कहेंगे किरदार? एक जैसे कि सपना जी ने बताया कि दोस्ती के ऊपर फिल्म है, और हम चारों के चारों बहुत गहरे दोस्त रहेंगे, दिखाए जाएंगे फिल्म में, और उसके बाद ग्रेजुअली कैसे डिस्टर्बेंसेज आते हैं या दोस्ती में क्या इफेक्ट्स होते हैं एक्चुअली में, उसके बारे में बताया जाएगा। मैं कैरेक्टर के बारे में ज़्यादा तो नहीं बताऊँगा, बट हाँ इतना है कि बहुत सारी शेड्स देखने को मिलेंगे आपको, एंड स्टेप बाय स्टेप्स कैसे लाइफ उसको उस कैरेक्टर को जिसका नाम गौरव होगा उसको कैसे सिखाती है लाइफ, और कैसे ज़्यादा वो जीता है आगे जाके, कैसे अपनी मंजिलों को पाता है, वो सब दिखाना चाहिए। क्योंकि सपना जैसा कि सुबह ने बताया कि पर्सनल लाइफ में अभी तो दोस्त नहीं हुए हैं अभी फिलहाल। नहीं एक्चुअली हम आप हमारी बात कर रहे हैं या एक्चुअली इनकी पर्सनल कितनी? नहीं नहीं, अरे अभी तो हम अभी तो मुझे मेरी बॉन्डिंग वैसे विक्रम से ज़्यादा अच्छी हुई है। हाँ, मेरी इनसे ज़्यादा अच्छी हुई है। मैं विक्रम के साथ अभी थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, सुबह के साथ अभी टाइम स्पेंड नहीं किया, जब मैं इसके साथ टाइम स्पेंड करूँगी, विक्रांत के साथ किया है, इसके साथ नहीं किया है, इसके साथ टाइम स्पेंड करने के बाद आपको बताऊँगी कि कितनी आगे तक जाएगी। विक्रांत विक्रांत हाँ विक्रांत, क्या क्या चीज़ें एज इन फ्रेंड? एज इन फ्रेंड आई थिंक बॉन्डिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। हर रिश्ता अपनी अपनी जगह अलग अलग तरीके से मायने रखता है, तो फ्रेंडशिप में विश्वास बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर एक दोस्त को दूसरे दोस्त के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है तो फिर वो फ्रेंडशिप किसी गड्ढे में ही चली जाए, तो आई थिंक ज़्यादा बेहतर। हमने बताया कि
एज एन एक्टर मुझे फीमेल आर्टिस्ट में से जो पसंद है फीमेल में से मुझे कंगना रनौत बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है, और विद्या बालन बहुत अच्छी लगती हैं, दीपिका पादुकोण भी बहुत पसंद है, प्रियंका चोपड़ा बहुत अच्छी लगती है। अब फिर आप कहेंगे कि कौन सी अच्छी नहीं लगती, तो वो तो मैं बता ही नहीं सकती। अगर मैं इसी कहूँ तो कंगना रनौत नहीं, मुझे एज ए एक्टर अच्छी लगती है, अभी डायलॉग्स में अपने याद करूंगी। गुड, वेरी गुड। जैसे सपना जी आपने बताया कि आपको लड़कों को मारने में बहुत मजा आता है और आपके दोनों दोस्त आपके बगल, मजा नहीं आता था वो बैठेंगे कहां कर देंगे मेरी बचपन की बातें वो पीटने के काम करते थे, मजा नहीं आता था, मजा किसको आता पीटने में और ना मार खाने में आता है, मतलब लड़कों को आपसे पीटने में मजा आता है? नहीं नहीं, उनको भी नहीं आता था, वो तो मेरे को देख के भाग जाते थे, वो कहते थे हड़म्पा आ गई आज स्कूल, वो ऐसे बोलते थे, तो गुस्सा आएगा ना आप हमें उल्टा सीधा बोलोगे तो पिटते थे। ओके सपना जी, बिग बॉस 12 आने वाला है और इस साल का थीम जो है कपल थीम है, तो अगर सपना को किसी के साथ जाना होगा एज ए कपल में तो वो कौन होगा और क्यों? मैं अपनी माँ के साथ जाऊँगी, मेरी बॉन्डिंग उनसे बहुत तगड़े वाली है और मेरे ख्याल से जो वो और मैं कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। इस साल क्या एक्सपेक्टेशन है? इस साल एक्सपेक्टेशन तो बहुत तगड़े वाली है, लगता है कि कुछ यूनिक देखने को मिलेगा बिग बॉस में जो अब तक के सीजन्स में नहीं देखा, तो मैं एक भी एपिसोड मिस नहीं करने वाली हूँ, सर मैं बहुत अच्छे तरीके से देखने वाली हूँ। अरे हिना ने क्या नहीं किया है, हिना ने सब कुछ किया है, मैं हिना और मैं बहुत क्लोज रहे हैं बिग बॉस के अंदर भी, बहुत क्लोज रहे हैं आज भी, बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, तो मेरे ख्याल से जो कोमलिका का रोल है वो हिना से बेटर कोई और कर ही नहीं सकता। तो बात हुई आप लोग? हाँ हमारी होती रहती है। तो हिना ये रोल के बारे में बात हुई, मतलब हाँ, कंफर्म आप कर रहे हैं? मेरे को पहले से ही पता था आपने कंफर्म कर लिया मतलब ओके आप रिसेंटली आप कांग्रेस की सोनिया गांधी से भी मिले थे, क्या कहना चाहिए आप 2019 के इलेक्शन के लिए आप लड़ रहे हैं? बिल्कुल नहीं नहीं मतलब बट आप उनके विचारों से तो जुड़ते हैं? विचार देखिए अपनी अपनी जगह सबके अच्छे होते हैं, मोदी जी के भी बहुत अच्छे विचार हैं अगर आज की जनरेशन को लेके चले तो विचार अपनी अपनी जगह सबके अच्छे हैं, हम किसी के विचारों पे टोन पास नहीं कर सकते कि उसके अच्छे नहीं है उसके अच्छे नहीं है, अब आपकी जगह आपके विचार अच्छे हैं मेरी जगह मेरे विचार अच्छे हैं, तो किसी पे ब्लेम करना या नाम उठाना अच्छी बात थोड़ी होगी। आप मेरे को फंसवाना चाहते हो क्या? नो बेबी नो, पेट्रोल के प्राइस लगातार बढ़ते जा रहे देश भर में, उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है राजनीति में, बिल्कुल भी नहीं है। ओके थैंक यू। जो कि चार दोस्तों की कहानी है कि वो बहुत गहरे हैं लेकिन दोस्ती के बीच में काफ़ी चीज़ें हैं जो टिपिकल होती हैं, काफ़ी चीज़ें हैं जो ठीक नहीं हो पाती है, काफ़ी चीज़ें हैं जो कोई भूल जाता है दोस्त, और काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं कोई दोस्त नहीं भूल पाता है, तो दोस्तों की लाइफ स्टोरी है। आपका कोई खास दोस्त आपके करीब भी है? मेरे दोस्त, हाँ मेरे एक दोस्त हैं जो मेरे बहुत करीब हैं और हमेशा रहेंगे, मेरी माँ। सपना जी आप काफ़ी समय से आप डांसिंग कर रही हैं, बिग बॉस में गई, मतलब नाम तो काफ़ी पहले से ही है, तो फिल्म में आना इतना देर क्यों हुआ, क्या ऐसी वजह रहेगी? आप फिल्म में आने के लिए खुद को हर चीज़ के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है, मेंटली भी फिजिकली भी, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक एक्ट्रेस को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जो कि मैंने देखा महसूस किया, तो वो मेहनत कर रही थी। तो बिग बॉस में कुछ आसान हुआ काम एक्टिंग? नहीं ऐसा नहीं है, एक्टिंग बहुत अलग दुनिया है और बिग बॉस बहुत अलग दुनिया है, डांसिंग बहुत अलग दुनिया है, तो और हर दुनिया में अलग अलग चीज़ें हैं, किसी में सक्सेस मिलती है किसी में नहीं मिलती है, लेकिन जहाँ मिले वहाँ भी खुश रहो, जहाँ नहीं मिले वहाँ भी खुश रहो। एक्टिंग को लेकर बॉलीवुड को लेकर क्या थॉट्स है अभी भी आपके? आई थिंक अच्छा करूँगी, बहुत अच्छा करूँगी। और कोई ऐसे फ्यूचर प्लान है आगे चल के, और किस तरह के रोल आप करना चाहती हैं जो ऑफर ना हो? हाँ मुझे वैम का रोल करना है। वैम, ओके, आपने नेटफ्लिक्स मतलब सीक्रेट गेम्स और ये सब देखा? हाँ।
और डांसिंग में कमाल करती हूँ, क्या लगता है कि मतलब जो इतनी एक्ट्रेस हैं, बड़ी एक्ट्रेस हैं, उनको भी डांसिंग करने में हेजिटेशन होता है, मतलब डांसिंग करना आसान नहीं होता है, तो वो एक प्लस पॉइंट है आपके लिए, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि प्लस पॉइंट है, क्योंकि बस ये होगा कि मुझे उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, हाँ, लेकिन हो सकता है प्लस पॉइंट हो। तो बिग बॉस की बात करें, बिग बॉस 12 आ रहा है, कितने एक्साइटेड है देखने के लिए? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं पब्लिक से ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उसको देखने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसके अंदर मैं देखूंगी अब की बार, तो मैं बहुत एक्साइटेड। काफ़ी अलग होने वाला है, बहुत अलग थी मैं अब की बार का, और मेरे ख्याल से आधी ऑडियंस ही बिकॉज ऑफ सलमान उसे देखती है, तो मैं भी बिकॉज ऑफ सलमान ही देखूँगी। और लास्टली क्या पूछना चाहूँगा कि बॉलीवुड में आपको मिलते हैं ऑफर्स, तो मतलब जो डांसिंग करियर है आपका, मतलब जो हरियाणा का वो जो डांसिंग, वहाँ पे इन्वॉल्व रहेंगी या फिर? नहीं नहीं, वहाँ कैसे छोड़ सकती हूँ सर, मैं अपनी मातृभूमि कभी नहीं छोड़ेगी, और जिस नॉर्थ इंडिया ने मुझे इतना प्यार दिया है वो तो मैं मरते दम तक नहीं छोड़ूंगी। मेरे ख्याल से जब मेरी मौत हो जाएगी और मेरी अर्थी को निकाला जाएगा तो मेरी इच्छा ही ये है कि पूरा नॉर्थ इंडिया घुमाया जाए पहले उसे। ओके, हादी से बात हुई, हादी ने कहा कि खास इंटेंशनली हमने सपना को किरदार में लिया है, उन्होंने उसको बहुत सपोर्ट भी किया है, हाँ। एक वर्किंग वूमन भी आप नजर आएंगी, हाँ जी। तो और खास इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि हरियाणवी किरदार हो, इस वजह से क्या कहना चाहेंगे? और आपने बहुत अपने आप को स्लिम ट्रिम किया है, मतलब आप इंफॉर्मेशन निकाल के ले आए। आई थिंक कि मैं अच्छा करूँगी, बस मैं यही कह सकती हूँ, हाँ थोड़ी प्लस पॉइंट्स मेरे लिए हो जाएंगे कि शायद कैरेक्टर ऐसा हो जो मैं अपनी ज़िंदगी में फॉलो करती हूँ, तो थोड़े बहुत हैं जो मेरे लिए प्लस पॉइंट है, और थोड़े बहुत ये भी हैं जो मेरे लिए माइनस पॉइंट है। सबसे बड़ा माइनस पॉइंट तो अपने आप को फिजिकली मेंटेन करना, बहुत बहुत माइनस पॉइंट है सर, मतलब पूछो मत आप। बिपाशा बासु ने कॉर्पोरेट में रोल किया था, हाँ। जहाँ पे बिजनेस वुमन बनी थी, और कंपैरिजन भी होगा, हाँ। क्या इस बात के लिए तैयार है? इफ एट ऑल कंपैरिजन होगा तो आई थिंक, मेरा मानना ये है कि बिपाशा बासु ही रह सकती हैं और सपना सपना ही रह सकती है, तो किसी को किसी से कंपेयर करना फालतू की बात होगी। थैंक यू सो मच, फालतू की नोट पे बात कर रहा हूं सर। आज मेरे लिए बहुत बहुत बड़ा दिन है आज के दिन, और दोस्ती के साइड इफेक्ट एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा स्टोरी बहुत अच्छी लिखी गई है, और जब हादी भाई ने मुझे नरेशन दिया मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है मेरे लिए, और सपना जी ऑलरेडी स्टार है, हादी भाई है, जुबैर है, और अंजू टीवी सीरियल उसने किया है, तो इन सब के साथ मुझे दोस्ती करने का मौका मिल रहा है, और मूवी के बाद पता चलेगा कितना साइड इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि दोस्तियों में दोस्ती, अगर आप सही हो, मुझे फील होता है कि अगर आप सही हो तो दोस्ती का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, दोस्ती अच्छी होती है और दोस्ती करना चाहिए। सर कहानी तो सब मैं बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन मेरा रोल बहुत अच्छा है, और अभी जल्दी बहुत जल्दी है, मैंने ही शूटिंग शुरू होने वाला है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग जल्दी उसका प्रोमो या टीज़र देखेंगे, उससे अंदाज़ा लगाएंगे कि मूवी कैसी है। हो गया, चलो हादी भाई, पूरी फिल्म का आइडिया कैसे और क्या फिल्म होगी, क्या ये हमें दिल चाहता वगैरह की याद दिलाएगी, जितना कि आपने बताया बड़ी इमोशनल बैंग ऑन, उसी जॉनर की फिल्म है, हाँ मैं मानता हूँ कि उतनी बड़ी बजट की नहीं है और नए स्टार कास्ट है, बट यस उसी जॉनर की फिल्म है, और एकदम आपका सवाल एकदम करेक्ट है कि उसी तरह के इमोशंस हैं, उसी तरह की दोस्ती है, उसी तरह की बॉन्डिंग है, इसीलिए टाइटल है दोस्ती के साइड इफेक्ट्स। आई कैन नॉट और आपको मालूम है मैं क्यों नहीं यूज कर सकता हूँ। जी हाँ, एक यूएसपी चाहिए होता है हर प्रोजेक्ट को, और सपना की स्टैंडिंग आज बिग बॉस के बाद एक यूएसपी है, तो यस ऑफ कोर्स आई फेल्ट दैट इट इज़ अ गुड थिंग टू टेक हर एंड एक्सप्लॉइट द एक्टिंग एबिलिटीज रादर देन हर सिंगिंग एंड डांसिंग, तो इसीलिए सपना वाज द चॉइस। यस ऑफ कोर्स शी इज गॉट एक्चुअली टू पार्ट्स टू प्ले, फर्स्ट हाफ में शी इज अ कॉलेज स्टूडेंट एंड देन she becomes a business woman, so there are two shades to the entire character, and that is why we chose the latter, ke wo business woman ki matlab kya jo kirdar hai wo bahut acche se nibhalengi, and obviously
college student ke liye, I know she's a little big, but nevertheless we'll make a look the age. I'll try that. Ji haan, I mean actually jab se humne ye film sign ki, I think 3.5 months back, tab se वो अपने अपने आप पे वर्कआउट डाइट एवरीथिंग शी इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग. तो इसीलिए आई थिंक फिजिकल स्टेट जो है आप अभी देख रहे हो वो इसीलिए है क्योंकि उनको वो कॉलेज स्टूडेंट का पार्ट निभाना है. शी इज वर्किंग रियली हार्ड. ओके, देयर विल बी अ कंपैरिजन इफ आई रिमेंबर व्हाट विपाशा हैड डन कॉर्पोरेट लाइफ. आर यू रेडी फॉर द कंपैरिजन? हां, आई एम. डू यू वर्क ऑन द लैंग्वेज ऑफ मूवी? Yes, of course. I have very closely worked with the dialogue writers and we have worked on the language. But yes, the USP is that she is from where she is and I want to exploit that. Being a businesswoman also, उस दायरे में आती है. आई वुड नॉट वॉन्ट टू टेक दैट अवे बिकॉज दैट इज़ द ऑडियंस. तो इसलिए मुझे वो नहीं निकालना है उससे. बट नेवरदलेस शी इज़ वर्कड ऑन अ स्पीच, शी इज़ वर्कड ऑन एवरी थिंग. सो इट्स वेरी वेरी I am very grateful that she's done all her preparations. So last word. Surely. Did you intentionally, you know, capture in a Haryanvi kirdar or where she can be, you know, she should not be questioned while, you know, dressing or while conveying any dialogue? Absolutely, you're right. Keeping all that in mind, and that is the reason why we casted her. Yeah, keeping that character in mind because it was written like that. So she was the best choice, I think, for this. Thank you so much. This film has happened actually. बहुत सारी चीज़ें थी जो लक जिसको बोलते हैं समटाइम्स, एंड ये कैरेक्टर कोई और करने वाला था. बट आई मेट द प्रोड्यूसर्स बिफोर, दे लाइक मी माई नेचर एंड द वर्किंग थिंग एंड दे मस्ट हैव लाइक मी इन कसम ऑल्सो शायद. तो इवेंचुअली कहीं से उनको फ़ोन आया मुझे, मैं गया मीटिंग करी, उसके बाद मुझे कोई कॉन्टैक्ट नहीं हुआ. बट आफ्टर अचानक से फिर उन्होंने कहा कि यार यू आर ऑन बोर्ड एंड वी नीड टू मीट यू टू द प्रोड्यूसर्स ऑल्सो टू द डायरेक्टर्स ऑल्सो. मैंने कहा ठीक है फिर मैं आता हूँ. फिर आई मेट द डायरेक्टर एंड सुपर्ब डायरेक्टर, सुपर्ब नेचर. सो मैंने कहा 100%. और हाँ, दो तीन चीज़ें मैंने पूछी थी, डायरेक्टर कौन, DOP कौन, हु इज़ द एडिटर. सो बिफोर साइनिंग ऑफ नाउ आई एम, बिकॉज आई एम बैक टू बैक शूटिंग 3 films टुगेदर टिल नवंबर. अभी आज अभी शायद आप लोगों से मेरी अभी 8 बजे के बाद वापस मुलाकात होगी. मेरी फिल्म की लॉन्चिंग है. तो ये इसके बाद फिर 2 और फिल्में हैं, एक मुग्धा के साथ में है, एक और है. तो मैं वो रिवील नहीं करूँगा, बट मैं आई वॉन्ट टू कीप वर्किंग. सो ये फिल्म मेरे लिए आई थिंक ब्लेसिंग है और अच्छे से काम करने की उम्मीद करता हूँ. और क्या जी, आई एम प्लेइंग द मेन लीड, यस, अपोजिट सपना चौधरी. यस, आई एम द लव इंटरेस्ट ऑफ सपना चौधरी. शी विल बी माई गर्लफ्रेंड द फिल्म. एंड आगे जाके वो कैसे जाके क्या होता है वो तो फिल्म देखेंगे तो पता लगेगा. बट या जी, नो आई थिंक दिल चाहता है मैं, आई थिंक फ्लेवर वॉज वेरी डिफरेंट. और ये दोस्ती की साइड इफेक्ट, इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा डिफरेंट है. इसमें एक जर्नी दिखाई है और दोस्ती के साथ साथ हमें इंसान के अलावा और क्या उस दोस्ती में मिलता है, चाहे अच्छाई हो चाहे बुराई हो, तो वो सब कुछ दिखाया है इसमें. तो मुझे लगता है कि दैट दिल चाहता है इज़ वेरी डिफरेंट जनर और दोस्ती की साइड इफेक्ट बहुत अलग मुकाम अपना हासिल करेगी. थैंक यू सो मच. यदि आपके शहर में आसपास कोई घटना दुर्घटना या किसी तरह की खबर है तो जी न्यूज नेटवर्क पर वीडियो सहित पूरी देख सकते हैं और हमारे जी न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करना ना भूलें. आप देख रहे हैं जी न्यूज 18, हर खबर का सच यानी पूरा सच.